तुमने प्राइवेट प्लेन बुक किया था और उसके बाद उड़ के सीधे यहाँ पर आ गई। मजाक मत कीजिए ना, बताइए। मजाक मैं नहीं कर रहा, मजाक तुम मेरे साथ करियो। बेहोशी का नाटक करके मुझसे सेवा करवा रही हो? बेहोशी का नाटक? अब तो नाटक पे नाटक किए जा रही हो तुम। पहले बेहोश होने का नाटक करी थी और अब याददाश्त होने का नाटक कर रही हो। चाहती क्या हो तुम? दादी को बोल के रात भर मुझसे सेवा करवाना चाहती हो? देखिए, मुझे वाकई नहीं याद कि मैं कब बेहोश हुई थी, आपने मेरी सेवा कब की, पता नहीं है मुझे। पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ याद नहीं। पता है, जो लोग एहसान लेके भूल जाते ना, उसे सरफरोश कहते हैं। अब मेरा मतलब है कि एहसान फरामोश कहते हैं, दैट्स व्हाट यू आर। प्लीज, आप और मुझे दवाई लगाएंगे? मैं मर रही होती ना तो आप मुझे पानी तक नहीं पूछते। करेक्ट। किसी के जख्म पे दवाई लगाने के लिए ना दिल चाहिए होता है, जो आपके पास है नहीं। जरूर मेरी माँ ने, माँ, मैं माँ से बात तो कर ही नहीं पाई। माँ कहाँ गई? सब चले गए मुझे तुम्हारी नर्स बना के। और क्या कहा तुमने कि इस नर्स के पास दिल नहीं, इस रॉकस्टार के पास दिल नहीं है? अगर मेरे पास दिल नहीं होता ना तो मेरे सारे लव सॉन्ग्स हिट नहीं होते। अरे जाकर पूछ लो तनु से कितना बड़ा दिल है मेरे पास। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे और भी जरूरी काम। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या? अरे तू कैसे आ गया बेटा? तेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? चल आजा, आराम से पहले बैठ। ओहो, तेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। क्या जरूरत थी बेटा आने की? तू मुझे बुला लेती, मैं आ जाती और सुबह बात कर लेते ना हम। आराम से बैठ। अभी ने कुछ कहा क्या? मैं समझ गई, पहले बुलबुल को लेकर आलिया ने उसे कहा और फिर वो पूरब के आने के बाद अभी ने जो, आलिया ने तुझे कुछ कहा है ना? लेकिन तेरी तो कोई गलती भी नहीं है बेटा, वो लोग तुझे क्यों कुछ कहेंगे? देख तू फटाफट मुझे बता दे क्या हुआ है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। शादी के बाद ससुराल जाने का मतलब एक बेटी के लिए ये होता है कि मायका उसका घर नहीं। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है, इस घर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस घर की बेटी नहीं। आपने मुझे पराए घर भेजकर वाकई पराया कर दिया, इसीलिए बाहर वालों की तरह इस घर की बातें भी मुझे नहीं बताई जा रही। मैं समझ गई, मैंने बीजी से पहले ही कहा था कि मैं वहां प्रज्ञा के पास रुक जाती हूँ। इतने सालों से जब भी तेरी तबीयत खराब होती है उठकर सबसे पहले तुझे मुझे ही देखना होता है ना। लेकिन बीजी ने कहा 4 साल की बच्ची थोड़ी ना, पति है ना उसके साथ, वो देखभाल कर लेगा, चल तू मेरे साथ घर। तू नाराज है ना कि मैं बिना मिले तेरे से आ गई? मैं अपनी बात नहीं कर, मैं आपकी बात कर, इस घर की बात कर रही हूँ, कुमकुम भाग्य की बात कर रही हूँ, जिसे खाली करवाने के लिए नोटिस दिया है बीएमसी ने। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे, क्या आप मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? नहीं बेटा, तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है तेरे घर में वैसे ही बड़ी परेशानी है। अगर तुझे मैं यहाँ के बारे में बताती ना तो तेरा सारा ध्यान यहाँ आ जाना था और तू वहां पर ध्यान नहीं दे पाती, ये मैं नहीं चाहती थी। तूने जब मुझे बताया ना कि तू अभी के साथ पुणे जा रही है तो बस मैंने टाल लिया कि मैं तुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। बच्चे कैसे टाल लिया आपने, ये मेरा घर नहीं है क्या? अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो मैं आपको झूठी तसल्ली दूं, तो मैं आपसे अगर अपनी बात छुपाकर आपको पराया कर दूं तो आपको कैसे लगेगा? फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि मुझसे ये बात छुपाने के लिए कोई भी वजह जायज नहीं हो सकती। आपको क्या लगा मैं समझूंगी नहीं? या मुझे पता नहीं है कि इस घर के लिए वो हॉल क्या मायने रखता है? आपने उस हॉल का नाम कुमकुम भाग्य रखा था क्योंकि आप मानती हैं कि हर औरत का भाग्य उसकी कुमकुम से जुड़ा होता है, जैसे वो हॉल हमसे जुड़ा है। मेरी शादी और टूट गई सिर्फ इसलिए कि लड़के वालों ने उस हॉल की डिमांड रखी थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम साथ रहे, साथ लड़े, उस हॉल को अपने आप से अलग नहीं करने दिया और आज ये बात छुपा कर आपने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। दी, तो यहाँ माँ ने कहा तुझे चोट लगी थी, तू ठीक तो है ना? दी, तू कहाँ जा रही है? बीएमसी ऑफिस। बीएमसी ऑफिस क्यों? क्यों बताऊँ मैं तुझे? तूने तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि बीएमसी ने नोटिस भिजवाया है कुमकुम भाग्य के लिए, उसे खाली करना है नहीं तो तोड़ देंगे। थी, आई एम सॉरी,
माँ ने मना किया था तुझे बताने के लिए। अगर मैं तुझे बताती थी ना तो तुम्हारा मुझ पर और गुस्सा हो जाती। और तो जानती है ना मेरे और माँ के बीच में कितनी टेंशन है। I'm sorry, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी तुझे कम से कम मुझे इशारा तो देना चाहिए था। खैर जाने दे, अब हम बातों में और वक्त जाया नहीं कर रहे। हम बीएमसी ऑफिस जाकर अपने हॉल की ना डिटेल्स निकलवाते। अच्छा हो तुम लोग यहाँ मिल गए। चल दी, कोई फायदा नहीं, ये सब एक प्लान है। किसका प्लान? तुझे याद है हमारे घर एक कॉर्पोरेटर आया था जो मुझसे शादी करना चाहता था? हाँ, लेकिन ये उसी का प्लान है थी। जो वो चाहता था वो नहीं हुआ ना, इसीलिए हॉल के खिलाफ जितने भी लीगल पॉइंट्स है उसने अपने फेवर में कर लिए। हमसे बदला लेना चाहता है वो। तुझे ये सब कैसे पता चला? जब हमें बीएमसी की तरफ से नोटिस आई थी ना तो मैंने सोचा मैं पूरब से हेल्प ले लूंगी। मैं पूरब के पास गई हूँ। एक बार मुझे खुश कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। सच कह रहा हूँ। जो वो चाहता था वो नहीं हुआ ना, इसलिए वो हमसे बदला लेना चाहता है। ठीक है ना प्रज्ञा? पुत्र तू बाहर से कहां से आ रही है? तू तो ऊपर थी ना, सो रही थी। और बेटा अभी तुझे चलना नहीं चाहिए, मैंने तेरा ख्याल रखने के लिए अभी को बोला था ना। खैर मैं अभी पूछती हूँ। अभी, अभी नहीं दादी, उन्हें मत बुलाइए। मेरा मतलब है उन्हें मत उठाइए, वो थक गए थे ना इसलिए सो गए। और मेरे पाँव का दर्द ठीक है, और दरअसल मैं उन्हें बिना बताए चली गई थी। कहाँ गई थी बेटा? दादी वो माँ से मिलने गई थी। माँ से मिलने? इस वक्त बेटा वो ठीक तो है ना? परेशान तो वो लग रही थी। वैसे वो बोल रही थी रात को कि मैं यही रुक जाती हूँ तेरा ध्यान रखने के लिए, पर मैंने ही उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया। ज्यादा टेंशन लेने से उनकी तबीयत तो खराब नहीं होगी ना? नहीं नहीं दादी, वो दरअसल उनकी एक दवाई मेरे पास रह गई थी तो वही देने गई। अगर वो वक्त पर दवाई नहीं लेती ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन किस बात की दादी? इंडिया के बेस्ट बिजनेस में है लोग, मैरिज बिजनेस। अभी चाहे शादी जबरदस्ती हो या खुशी से, शादी तो होती रहेंगी और ये लोग पैसे कमाते रहेंगे, है ना? नींद खुल गई तेरी बेटा। तुझे मैंने प्रज्ञा का ख्याल रखने को कहा था और तेरे होते हुए इसे बाहर जाना पड़ा, वो भी इस हालत में। अरे मैं कुछ चेक कर रहा था। चेक कर रहा क्या? मैं ये चेक कर रहा था कि फेरों के दौरान जो बीवियां वचन लेती है उन्हें पूरा करती भी है कि नहीं, जैसे कि अकेले कहीं बाहर ना जाना, जहाँ भी जाना पति को साथ लेकर जाना। बेटा तूने वो कसम पूरी की कि तू अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, उसका ख्याल रखेगा। अब उसको ये कसमें याद दिलाने की कोशिश मत कर, उसे सब पता, तेरे से ज्यादा पता है। उनके घर में शादियां होती रहती है ना, और कितनी शादियां कामयाब भी होती हैं, और कितनी शादियों पे किसी सौतन की बुरी नजर भी पड़ी होगी। दादी आप, अरे मुझे अपना पुराना जमाना याद आ गया। ही कोई जो मेरे पति पे डोरे डालती थी। बस अब आगे नहीं। हाँ प्रज्ञा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। यहाँ? नहीं, हाँ मेरे साथ। ये दासी चश्मे से क्या बातें कर रही? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्या वाले भाई, आपने उस पूरब और बुलबुल को ऐसे कैसे जाने दिया? उन्हें कोई सजा भी नहीं दी भाई। आलिया दादी चाहती थी। यार राइट, दादी ये चाहती थी, दादी वो चाहती, कभी वो बहन जी बीच में आ जाती है, आप हमेशा यही एक्सक्यूजेस बनाते हैं भाई। भाई अपनी बहन के लिए व्हाट अबाउट मी? मेरे प्यार की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रही है ना भाई। भाई मैं आपको बताई हूँ, अगर आप उन्हें सजा नहीं दोगे तो मैं उन दोनों को सजा देकर रहूंगी। आई एम टेलिंग यू भाई। Do something, भाई। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।